हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, बात करेंगे अदानी ग्लूमर के बारे में, जिसमें आज भी थोड़ी गिरावट देखने को मिली हम लोगों को। 572 का लो लगाया था, 597 का लगाया था, बट क्लोजिंग दिया है 584 का, जो कि 1.30% आज भी डाउन हुआ है। आज वॉल्यूम और भी घट गया है। NSE पर 577,000 शेयर्स ट्रेड हुए सिर्फ, BSE पर 1,24,000, ऑल टुगेदर ओनली 7 लाख शेयर्स ट्रेड हुए हैं। इसका मतलब ये निकल कर आता है कि इन्वेस्टर्स अभी डर रहे हैं, ज़्यादा बल्क में बाइंग भी नहीं कर रहे, ना कि बहुत ज़्यादा सेलिंग कर रहे हैं, क्योंकि निफ्टी भी अभी साइडवेज जा रहा है। निफ्टी ना तो बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, तो फ्लैट चल रहा है। उसी के हिसाब से मैंने आपको बताया था कि मार्केट जब भी ऊपर जाता है, अदानी ग्लूमर तुरंत ऊपर जाता है, और गिरता है तो धीरे धीरे गिरता है। अगर आप देखोगे तो अभी ये जो शेयर है, ये एक रेंज बाउंड हो चुका है 580 रुपीज़ से लेके तो 600 के रेंज में घूम रहा है, और 600 का अपना जो एक रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है। हालांकि 610 तक गया था, बट अभी 584 के आसपास चल रहा है, मतलब अभी भी कोशिश कर रहा है कि डायरेक्ट लोअर सर्किट नहीं लगे। अगर मार्केट में तेज़ी आई तो 600 रुपीज़ को तोड़ के ऊपर जाएगा, बट अगर थोड़ा सा अगर मंदी का माहौल रहा तो फिर से एक बार 540 टच करने को भी आ सकता है। ये टोटली डिपेंड करता है मार्केट पे। मार्केट अभी न्यूज़ बेस्ड हो चुका है, वो हिसाब से अदानी ग्लूमर, बट ओवरऑल देखा जाए तो लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट शेयर है। और ये ASM स्टेज 4 में होने के कारण लोग डरते हैं बहुत बल्क में बाइंग करने के लिए, क्योंकि 2 दिन तक आप बेच नहीं पाते हो। इसी के लिए अदानी ग्लूमर का शेयर साइडवेज जा रहा है, तो ये पॉजिटिव बात है, बहुत स्ट्रांगली नहीं गिर रहा है। जितना मार्केट में थोड़ा बहुत गिरावट था वो हिसाब से थोड़ा बहुत गिरा, बट अभी भी होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। मतलब कोशिश यही कर रहा है कि फिर से बाउंस बैक करके 600 को क्रॉस करें। देखना यह है कल मार्केट ऊपर रहेगा तो हो सकता है क्रॉस भी करे, और मार्केट में वीकनेस रहेगा तो एक बार 540 को भी टच करने को जा सकता है, जहाँ से फिर से इसने बाउंस दिया था। थैंक यू फ्रेंड्स।